तो गाइज आज ना सेंचुरी मेल लिए काफी स्पेशल डे है, क्योंकि गाइज हमारे जो आगे वाली गली है ना, आज के दिन वहां पर गाइज एक कंपटीशन लड़ा जा रहा है। अगर गाइज उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है और जीत जाता है ना, तो गाइज उसको एक ब्रांड न्यू कार मिलेगी। अरे हाँ फ्रेंगल भाई, यार आज के दिन का तो मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था। आज सिंचन भाई फटाफट से उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद सिंचन एक नई नवेली गाड़ी जीत के आएंगे। गाइज अभी हमको बस इतना पता है कि भाई हमको जीतने पे एक गाड़ी मिलेगी, लेकिन गाइज अभी हमको ये नहीं पता आखिरकार भाई हमको उस कॉम्पिटिशन में करना क्या है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है फ्रेंगल भाई, यार आपको ना रेस लगानी होगी, वो भी कार से। नहीं सिंचन, कार से काहे रेस लगाएंगे। वैसे कुछ भी कहो फ्रेंगल भाई, यार ये जो लैस्ट्री भैया की कार है ना, ये तो मेरे को सबसे प्यारी लगती है। हाँ गाइज अभी हमको यार कंपटीशन लड़ने जाना था ना, इसलिए यार मैं तो रात ही लैस्ट्री की कार लेके आ गया था, जिससे गाइज हम यार वहां तक पहुंच सके। ये देखो फ्रेंगल भाई, यार मेरे को तो वहां पर कुछ रैंप टाइप लग रहा है। हाँ सिंचन, नीचे की साइड कुछ रैंप टाइप तो लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है सिंचन भाई कोई मस्त वाली सिंचन रेस वगैरह होने वाली है, लेकिन हम नीचे की साइड कैसे जाएंगे सिंचन? अरे मुझे क्या पता फ्रेंगल भैया, मुझे तो ऐसा लगता है यार हमको ना अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी और पैदल पैदल जाना पड़ेगा। नहीं सिंचन भाई, नीचे जाने का कोई तो रास्ता होगा। अरे यार मुझे पता है फ्रेंगल भैया, अंदर जाने का रास्ता ना यार बहुत दूर से होगा। तुमको अगर कहीं पे पैदल जाने का रास्ता दिखे ना, तो वहीं पे गाड़ी रोक देना। रुक सिंचन, पैदल जाने का तो मेरे को रास्ता दिख गया, तो एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं। आ फटाफट से मेरे पीछे पीछे, और सिंचन तू ना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही पार्टिसिपेट करूंगा। अरे पर क्यों फ्रेंगल भैया, यार रुक पहले सिंचन, देख लेते हैं आखिरकार हमको करना क्या होगा। अगर कोई आसान टास्क होगा तो सिंचन तू भी पार्टिसिपेट कर लियो। मेरे को गाइस लगता तो नहीं जैसे कुछ आसान होगा, क्योंकि यार ये पूरी नई की नई गाड़ी देने वाले हैं अगर हम जीत गए तो। वाओ यार यहाँ पर तो मेरे को बोर्ड दिख रही है, मेरे को ऐसा लगता है गाइस हमको ना बोर्ड से कोई रेस वगैरह लगानी होगी। और नीचे की साइड भाई काफी सारा पानी भी है, मुझे ऐसा लगता है ये वो दो कार है। अरे हाँ बच्चे, तूने एकदम सही समझा, ये जो दो कार है यही आपको जीतने पे मिलने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है तू भी गेम में पार्टिसिपेट करने आया है। अरे हाँ मैं पार्टिसिपेट तो करने आया हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है? ये जो तुझे सामने बेटा बोर्ड दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नहीं करना, बस इस बोर्ड को लेना है और तुम्हें तीन चांस मिलेंगे। तीन चांस में बेटा तुम्हें सामने छोटे छोटे रैंप दिखेंगे, उनसे तुम्हें जंप लगाते हुए वो जो तुम्हें सामने पुल दिख रहा था उसे बस जंप लगाना इस बोर्ड से। अगर तुमने वो सामने वाला पुल को जंप लगा लिया ना बोर्ड से, तो तुमको गाड़ी मिल जाएगी। और याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ तीन चांस है, और ये दो बंदे पहले लाइन में लगे हुए, तो तुझे तीसरे भी लाइन में लगना होगा। चलो तो मैं मैच को स्टार्ट करता हूँ और जाता हूँ और जीत के ही आऊंगा और कार जीतूंगा। अरे भैया यार आप तो बूढ़े हो गए, आप क्यों जा रहे हो यार इस मैच को लड़ने? आराम से यार घर पे बैठ के टीवी देखो ना यार, कहाँ से तुमको शौक चढ़ गया गेम खेलने का? बच्चे चुप हो जा, मुझे गाड़ी चाहिए इसलिए मैं आया हूँ ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। अगर ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो गाड़ी मिलेगी। ये देखो ये छोटे छोटे रैंप है, ये जंप लगाई, और ये जो सामने पुल है ना, बस मेरे को ये क्रॉस करना है। अगर मैं इस पुल के ऊपर आ गया अपनी बोट से, तो मैं जीत जाऊंगा और मेरे को एक मस्त कार मिलेगी। लेकिन अभी मेरा एक चांस कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चांस है। मैं तो अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया इस पुल को, मेरे को इस पुल के ऊपर जाना होगा और मेरे पास सिर्फ लास्ट चांस बचा हुआ है। कैसे करूं कैसे करूं? अरे यार मेरे को डर लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें बूस्टर का ऑप्शन है, ये बूस्टर दबाया। अरे मैं तो हार गया। अरे फ्रेंगल भाई तो हार गई यार। चल सिंचन भाई अब मेरी बारी आ चुकी है, और मैं ना सिंचन भाई अच्छे समझ गए इस गेम को। और गाइस वो जो दूसरा बंदा था ना वो तो भाग गया, उसको गाइस लगा ये हम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अरे फ्रेंगल भाई बेस्ट ऑफ लक यार, कुछ भी करके फ्रेंगल भाई जीत गई ना। अरे काम करता हूं मैं भी फ्रेंगल भाई तुम्हारे साथ ही चलता हूं। नहीं सिंचन पागल है क्या, वो जो पुल है ना सिंचन उसको भाई मेरे को जंप लगाना है। अरे फ्रेंगल भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, चले चले फटाफट से। वैसे सिंचन वो बंदा कुछ कह रहा था कि भाई इस बोट के अंदर ना सिंचन कोई बूस्टर का भी बटन है, वो कोई बटन है क्या? अरे दबा के देखो फ्रेंगल भाई, क्या पता कोई बटन हो। रुक सिंचन, ये ले भाई एक चांस। अरे ले सिंचन एक चांस तो हमने गवा दिया, और तू क्यों नीचे गिर गया, जल्दी बैठ। तो गाइस अभी सिंचन को मैंने यार दोबारा से बोट के ऊपर तो बैठा लिया। और फ्रेंगल भाई यार याद रखना अब अपने पास सिर्फ दो चांस बचे हैं, और फ्रेंगल भाई यार हमको कुछ भी करके इस रेस को जीतना होगा। अगर फ्रेंगल भाई नहीं जीत पाए ना तो यार भूल जाओ, फिर तो हमको कार मिलेगी नहीं। हां सिंचन भाई मेरे को पता है तो क्यों टेंस ले रहा है। और ये ले, अरे अरे ये क्या हुआ, लगता है सिंचन हम यार रैंप पे चढ़ ही नहीं पाए। और क्या यार रैंप पे नहीं चढ़ पाए, इसका मतलब अभी भी फ्रेंगल भाई हमारे पास यार दो चांस बचे हुए हैं। हाँ सिंचन ये तो मुझे भी पता ही है। अरे बच्चों जल्दी करो, तुम्हारे पास दो चांस बचे हुए हैं और लोग आ चुके हैं बेटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे हाँ सर रुक जाओ सिंचन भाई, और ये रैंप पे मैं चढ़ा, ये ले सिंचन। अरे बाप रे ये क्या हुआ, अरे वाह फ्रेंगल भाई यार तुमने तो बहुत अच्छी जंप लगा दी। सिंचन भाई मेरे को डर लग रहा है, बच गए। अरे बाप रे सिंचन इतनी लंबी जंप, भाई सिंचन वो पुल पार करना था, लेकिन फ्रेंगल भाई यार हमने वो पुल तो छोड़ो यार, हमने तो पता नहीं कितनी सड़क पार कर दी, अपनी गली भी पार कर दी हमने। सिंचन भाई इस बोट के अंदर सिंचन एक बूस्टर का बटन है, देख जैसे हम उसको प्रेस कर रहे हैं ये बोट खुद ब खुद चल रही है सड़क पे। अरे हाँ यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था यार यार अपनी बोट भी यार सड़क पे चल पाएंगी, लेकिन सिंचन देख रहा है रोड पे भाई अपनी यार बोट चली है। सर आपने देखा मैंने कितनी ऊंची जंप लगाई? मैं देखा तुझे लेकिन भागले भागले। अरे क्या हो गया तुझे? पता नहीं गाइस उसको क्या हो गया। अरे अब कैसे जाए फ्रेंगल भाई यार अपनी गाड़ी लेने के लिए? हाँ सिंचन अब तो गाड़ी लेंगे भाई, एक काम करता हूँ इसकी गाड़ी लेता हूँ। हेलो भाई बाहर निकलो। अरे अरे गिरा दिया तूने मुझे, लगता है तू मुझे जानता नहीं है, बहुत बड़ा माफी
भैया हूँ मैं, अब तेरे को निकाल निकाल के मारूंगा। अरे फिंगल पे लगता है गलत पंगा ले लिया। अरे बाहर छोड़ दे, ये ले बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी लेने की। अरे रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ। अरे पुलिस वाला गया, भागलो भागलो। अरे भागले वरना तेरे को बता दूंगा अभी। अरे पर यार इसको हुआ क्या यार, ये ऐसे भागने क्यों लग गया, लगता है ये ना मुझसे डरने लग गया। नहीं सिंचन तुझसे थोड़ा डरा, सिंचन तुझे पता है यहाँ पर ना सिंचन पीछे की साइड अभी एक पुलिस की कार आई थी तो सिंचन इसने उसे देखा और ये भाग गया। अरे पर ये भागा क्यों सिंचन, ये शायद कोई गुंडा वगैरह होगा, ये बोल तो रहा है सिंचन ये माफिया है। अरे छोड़ो ना फ्रेंकल भाई उसको यार, हमको तो इसकी गाड़ी मिल गई। अब फ्रेंकल भाई फटाफट से भगाओ और उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और अपनी यार नई कार लेते हैं। मेरे को तो सिंचन अपने आप में बिलीव नहीं हो रहा कि सिंचन हम जीत गए। अरे बढ़िया फ्रेंकल भाई यार, मजे ही आ गए, हम तो जीत गए यार। तो गाइस अभी हम दोबारा से अपने इस लोकेशन पे तो आ चुके हैं क्योंकि गाइस हमको कार लेनी है ना, तो इधर तो आना ही था हमको। अरे हाँ यार, अब तो कार लेके जाएंगे, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं क्या? रुक सिंचन, वो तो यही बंदा हमको बताएगा। अरे मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ऐसा कर दिखाया, लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं था वो जो तुमने बूस्टर का इस्तेमाल करा ना, उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। बच्चों तुम बहुत ऊंचा उछले थे और अगर तुम गिर जाते तो तुम्हारी जान जाती। अरे तो हमारे यार कुछ हुआ थोड़ी ना यार, हम तो जीत गए, अब फटाफट से गाड़ी दे, तुम्हारा बस गाड़ी देने का काम है। अरे हाँ सर हम जीत तो गए, फटाफट से अब गाड़ी दे दो। बेटा ये जो गाड़ी है ना, ये दोनों की दोनों खराब है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे फ्रेंकल भाई यार हमको तो अच्छी कार चाहिए यार, कुछ भी करो अंकल कार दो। अरे बच्चों डरो मत, तुमने रेस में पार्टिसिपेट करा और तुम जीते हो, मेरे पीछे पीछे हो। अरे चलो फ्रेंकल भाई कहीं अंकल भाग ना जाए। अरे लगता है इन बच्चों को अंदाजा नहीं है मैं कितना अमीर हूँ, जल्दी मेरी गाड़ी में बैठो। वाओ सिंचन ये गाड़ी देख रहा है कितनी अच्छी लग रही है। अरे फटाफट से बैठ जाओ अंकल यार, मुझे ऐसा लगता है आप हमको यही कार देने वाले हो। नहीं बच्चों, मैं तुमको एक अच्छी कार देने वाला हूँ जो कि मेरे पुराने वाले गैराज पे खड़ी है, अभी मैं तुमको वहीं पे लेके जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे आओ दोबारा से। अरे अब कहाँ जा रहे हो? बच्चों मेरी दूसरी कार बाहर खड़ी है ना, तो अब तुम उस कार में बैठोगे। एक काम करो उस कार को तुम ही चलाओ, मैं तो थक गया ड्राइव करते करते कार। आ जा सिंचन भाई, देखते हैं यार ये हमको कौन सी कार देने वाला है। सर मैं आपको पहले बता दूं मेरे को काफी अच्छी कार चाहिए। अरे तुम कार ड्राइव तो करो, ये मेरी बहुत अच्छी कार है। चले फ्रेंकल भाई यार बैठ गया मैं। पैसे भैया एक बात बताओ यार, आप यार कौन सा काम करते हो जो यार आप हमको एक कार देने वाले फ्री के अंदर? अरे ये कार मैं आपको फ्री में थोड़ी दे रहा, आप रेस जीते हो और उस रेस को जीतने के तौर पे मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, वरना मैं फ्री में क्यों बांटू किसी को गाड़ी। अरे मतलब सिंचन का सर ये कहने का मतलब है कि आपका इस रेस में फायदा क्या हो रहा है? लोग रेस लड़ते हैं और रेस जीत जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को गाड़ी गिफ्ट करते हो, इसमें आपका क्या फायदा हुआ, बस हमको ये समझा दो। मेरा कोई फायदा नहीं होता बच्चों, मैंने इतना पैसा कमा लिया ना, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा टाइम पास कैसे हो, इसलिए मैंने ये रेस कॉम्पिटिशन खोला है जिससे कि मेरा टाइम पास हो सके। अरे वाह यार आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा हमको दे दो। हाँ सिंचन ये बात तूने सही की, अंकल यार थोड़ा पैसा हमको भी दे दो। बच्चों पैसा मेरा, देखो पैसा फ्री में देने का तो किसी को मन नहीं करता, मैं तुम्हें एक कार दे देता हूँ जो कि तुम रेस में जीते हो। अरे कोई बात नहीं अंकल यार, बस आप हमको कार ही दे दो, हम तो उसमें ही खुश हो जाएंगे। और गाइस यार अभी तक मेरे किसी भी दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं करा, तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, अपने पास तो न्यू कार आने वाली है। फाइनली गाइस अभी इन सर का यार हम पुराने वाले गैराज पे तो पहुंच चुके हैं। अरे भैया यार बताओ ना कौन सी कार है, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंकल भाई यही वाली कार है। सही समझे छोटे बच्चे, ये जो तू कार देख रहा है यही मेरी कार है जो कि मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। और अच्छी बात इसकी है, ये कार ना कंफर्टेबल है, इसकी छत भी ओपन हो जाती है। छत ओपन करो। अरे करो फ्रेंकल भाई करो, इसकी छत ओपन करो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ले सिंचन भाई, सच में भाई इस गाड़ी की तो छत ओपन होगी। अब तुम फटाफट से जाओ पुराने वाले एयरपोर्ट जो मैंने तुमको बताया था, उस व्हाइट पत्थर को ले लेना। हाँ सर अब टेंशन मत लो, उस पत्थर को तो हम जरूर लेंगे। अरे हाँ फ्रेंकल भाई उसको लेंगे और उसके बाद बेच देंगे। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे आखिरकार हम कौन से पत्थर की बात कर रहे हैं। गाइस आपको पता है सिंचन ने यार उन सर से बोला था कि थोड़ा पैसा हमको भी दे दो, तो गाइस उन्होंने हमको पैसे तो नहीं दिए, लेकिन गाइस उन्होंने ना हमको यार पुराने वाले एयरपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया गाइस वहाँ पर ना एक व्हाइट काफी बड़ा पत्थर है जिसे गाइस हम बेच के काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। और गाइस उस पत्थर की ना यार काफी ज्यादा कीमत है यार अपने लॉस एंटोस के अंदर। अरे हाँ फ्रेंकल भाई यार लॉस एंटोस की एक लोकेशन बताई थी उन्होंने जहाँ पे फ्रेंकल भाई यार उसको हम बेच के काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। करीबन सिंचन उस पत्थर की 20 लाख कीमत बता रहे थे वो सर। अरे हाँ लेकिन फ्रेंकल भाई यार मैं तो ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ कोई व्हाइट पत्थर है जिसको कोई खरीदेगा 20 लाख में। सिंचन भाई बस उस पत्थर को कोई खरीद ले, उसके बाद तो अपने पास पूरे 20 लाख आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। चल सिंचन पहले फटाफट से पुराने वाले एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, उसके बाद सिंचन वहीं पे चल के चेक करते हैं ऐसा कौन सा पत्थर है भाई जो कि 20 लाख के अंदर बिकेगा। तो गाइस अभी हम पुराने वाले एयरपोर्ट पे बस पहुंचने वाले थे और सिंचन मुझे कह रहा है कि इसको काफी तेज भूख लग रही है। सिंचन भाई यहाँ पर शायद रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो क्या पता सिंचन अभी भी ये रेस्टोरेंट ओपन हो। आ तेरे को भाई कुछ खाना पीना खिलाया हूँ। अरे मैं तो यार बर्गर खाऊंगा और उसके साथ फ्रेंकल भाई यार हॉट डॉग और चिप्स वगैरह भी खाऊंगा। हेलो सर क्या हाल है? अरे मेरे तो अच्छे हाल है लेकिन तुझे पहली बार देखा है, क्या हाल चाल है तेरे? अरे भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पर भाई कुछ नहीं हो रहा है, हम मजे करने आए मजे। मेरे ख्याल से गाइस ये रेस्टोरेंट तो नहीं है, यहाँ पर भाई सिंचन कुछ गेम वेम चल रहा है। अरे हाँ यार यहाँ पर हम गेम खेल सकते हैं और ये सारे के सारे सिंचन भाई ड्रिंक पी रहे हैं। चल सिंचन भाई हमारा तो यहाँ पे कोई काम
काम नहीं है। सिंचन एक काम करते हैं, फटाफट से पहले पुराने वाले एयरपोर्ट पे चलते हैं, उसके बाद सिंचन कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिलेगा ना, वहाँ पे तेरे को कुछ बढ़िया खिलाता हूँ। हाँ यार ये तो रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पर तो फ्रेंगल भाई यार सारे लोग गेम खेलने के लिए आए और मजे कर रहे हैं। अब फ्रेंगल भाई एक बात बताओ यार, पुराना एयरपोर्ट यार कितनी दूर है अब यहाँ से? सिंचन ये तो रहा सामने भाई, बस पहुँचने वाला है। और सिंचन वो हमको बता रहा था कि पुराने वाले एयरपोर्ट पे एक छोटा सा सिंचन उसने गार्डन भी बनाया है। अरे देखो देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो पेड़ वगैरह हुए हैं ना, इनको ही कह रहे होंगे वो गार्डन। रुक सिंचन भाई, हम यहाँ पर पहुँच गए लेकिन हमको वो पत्थर कहाँ मिलेगा भाई? अरे हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है फ्रेंगल भाई, इतना बड़ा है ये एयरपोर्ट, अब हम कहाँ ढूंढे यार? एक काम कर सिंचन, उस पत्थर को यार हम इस बस के अंदर ढूंढे, क्या क्या पता सिंचन बसों के अंदर हो। अरे हाँ ढूंढो ढूंढो यार, कहीं तो ढूंढेंगे, जब ही तो मिलेगा वो पत्थर हमको। चले पहुँच गया मैं पुराने वाले एयरपोर्ट पे। मेरे बॉस से कितनी बार बोला कि बॉस उस व्हाइट पत्थर को मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं उसे बेच के बॉस दोबारा से अमीर हो जाऊंगा, लेकिन बॉस ने पता नहीं किन को दे दिया, लगता है यही वो लोग है। अरे भाई कौन हो यार, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हो? अरे भाई कौन है तू, ये बताओ फ्राइकिल नाम है तुम्हारा? हाँ भाई मेरा ही नाम फ्राइकिल है। हाँ तो तुम व्हाइट पत्थर को ढूंढने आओ ना, मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पे किसी को उन्होंने भेजा जिसे व्हाइट पत्थर देना, आओ मेरे पीछे, मुझे पता था तुम्हें व्हाइट पत्थर मिलेगा नहीं क्योंकि वो व्हाइट पत्थर हमने यहाँ छिपा के रखा है। ये है वो प्यारा व्हाइट पत्थर जिसकी कीमत पूरी 20 लाख है, एक बार मेरे बॉस ने मुझे दिया था, मैंने इसे बेचा और मुझे पूरे के पूरे 20 लाख मिले। ले जाओ बच्चों इसको, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो बॉस ने तुम्हें दे दिया ये। अरे आजा सिंचन भाई, यहाँ पर देख सच में व्हाइट पत्थर है, और भाई यहाँ पर तो एक प्लेन भी है, इस प्लेन को टच मत कर देना, ये मेरे बॉस का प्लेन है। हाँ तो भाई मैं उसे टच कहाँ कर रहा हूँ। वैसे भाई एक बात बता, आखिरकार इस पत्थर में ऐसा है क्या जो भाई ये पूरे 20 लाख में बिकेगा? अरे हाँ भैया बताओ ना यार। अरे मैं क्या ही बताऊँ, कुछ बुड्ढे लोग हैं, बुड्ढे लोग जो कि इस पत्थर को खरीदते हैं, और उनका मानना यह है कि इसके अंदर से काफी जादुई चीजें निकलती हैं जो कि उन बुड्ढे लोगों को अमीर बनाती है। अरे भाई पता नहीं कैसी बात है, ऐसा कोई जादू वगैरह थोड़ा होता है। अरे हाँ मुझे भी नहीं लगता कोई जादू होता होगा, लेकिन फ्रेंगल बाब ये बताओ इस पत्थर को हम लेके कैसे जाएंगे और इसे कहाँ पे बिक के आना है यार? इस पत्थर को तुम लेके जाओगे ट्रक में रख के, समझ रहे हो, और इसे तुम्हें बुड्ढे लोगों को भेजना है, वो बुड्ढे तुमको मिलेंगे, वो जो तुमने भूतिया हवेली देखी है जो पूरा का पूरा घर जल चुका है। हाँ भाई वो इसे कौन नहीं जानता भाई, बहुत तगड़ा घर जला था वो तो। आ जाओ वहीं पे तुम्हें वो बुड्ढे लोग मिलेंगे, जल्दी करो कैसे लेके जाओगे इसको? बढ़िया यार ये प्लेन का सिंचन वो सर हमको दे देना तो मजा ही आ जाता। हाँ तुम पूरे सर की प्रॉपर्टी ले लो ना। अरे अंकल ज्यादा मत बोलो, चल सिंचन एक काम करते हैं, अपनी जो गाड़ी है ना अपनी गाड़ी पे इस पत्थर को रखते हैं और उसके बाद चलते हैं सिंचन वहाँ पर और इस पत्थर को बेच के आते हैं पूरे 20 लाख में। मुझे नहीं लगता फ्रेंगल भाई यार अपनी गाड़ी पे यार रखा जाएगा ये पत्थर, फिर भी सिंचन भाई ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस अभी इस बड़े पत्थर को हमने अपनी गाड़ी के ऊपर तो रख लिया है, सिंचन तुझे क्या लगता है अपनी गाड़ी चलेगी? अरे चलेगी फ्रेंगल भाई, दौड़ेगी। चल तो फिर सिंचन फटाफट से गाड़ी में बैठ, निकलते अपनी लोकेशन पे। अरे पर फ्रेंगल भाई यार जब वो अंकल हमको बता रहे थे ना कोई व्हाइट पत्थर है जादुई, तो फ्रेंगल भाई मुझे लग रहा था बहुत छोटा होगा, लेकिन यार ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ सिंचन ये तो भाई पूरे पहाड़ की तरह ऐसा लग रहा है, कोई छोटा पहाड़ है। अरे पर फ्रेंगल भाई ये कोई पहाड़ नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ सिंचन भाई मुझे भी पता ही है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे सिंचन ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई, अगर हम इसे अपनी गाड़ी पे रखेंगे तो सिंचन सामने तो काफी ज्यादा ट्रैफिक लग जाएगा। अरे हाँ यार देखना पूरी जगह घेर ली, मतलब पूरी रोड घेर ली यार इसने तो। अब सिंचन भाई एक काम करते हैं, किसी ट्रक को बुला ही लेते हैं। सिंचन एक काम करता हूँ ना, बैनी को कॉल कर देता हूँ, बैनी के पास तो सिंचन बहुत सारे ट्रक है। अरे हाँ यार उनका तो ट्रक का ही बिजनेस है। तो ठीक है सिंचन बैनी को कॉल करते और बैनी को बुलाता हूँ, उसके बाद सिंचन भाई आराम से कम अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे। हाँ जल्दी से बुला लो फ्रेंगल भैया और बैनी भैया को ना सब कुछ बता देना। तो फाइनली गाइस अभी पूरा 1 घंटा बीत चुका है और यार यहाँ पे बैनी तो आ गया, लेकिन गाइस देखो मैंने से ट्रक मंगाया था और ये लेके आ गया भाई जेसीबी। अरे इस जेसीबी का क्या करे फ्रेंगल भैया यार, इसमें तो ये जाएगा भी नहीं। सिंचन जा तो सकता है, वैसे ये जो सिंचन जिसके आगे का मुंह है भाई इसके ऊपर सिंचन हम इसको रखेंगे पहाड़ को और उसके बाद सिंचन निकलते हैं। अरे हाँ कर तो सकते हैं। अरे फ्रेंगल भाई मेरे को भाई एकदम सही से तू एक बार मेरे को बता दे आखिरकार इस व्हाइट पत्थर का तुम करोगे क्या? और ये छोटा मोटा पत्थर नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा। अरे हाँ बहनी भैया हमको पता है, अब फटाफट से यार इसको यार फटाफट से अपने जेसीबी पे रखवाओ। अरे मुझे तो ऐसे लगता है भाई जेसीबी का कचुमर बन जाएगा, जब तुम मुझे कॉल पे बता रहे थे मुझे लगा था भाई छोटा मोटा पत्थर होगा, इसलिए मैं ये लेके आ गया जेसीबी। चलो यार जैसे तैसे करके गाइस अभी हमने इस बड़े पत्थर को अपने जेसीबी पे तो रख लिया है, बस गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चल सिंचन भाई फटाफट से तू बैठ अंदर और निकलते। अरे भाई फ्रैंकल मुझे भी लेके चलना भाई, और मुझे भाई सब कुछ जानना है इसके बारे में। तो गाइस अभी बैनी और सिंचन इस पत्थर के ऊपर तो चढ़ चुके हैं और गाइस जो मेरी गाड़ी थी ना जो यार मैं जीता था रेस में, गाइस वो भी मैंने इस जेसीबी से यार बांध दिया है, जिससे कि गाइस अब अपनी गाड़ी भी हमारे साथ साथ जाएगी जहां भी हम जाएंगे। हाँ यार फ्रैंकल भैया अपनी गाड़ी को यार यहां पे छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी मन था। अब बताना यार फ्रैंकल प्लीज बताना इस पत्थर का क्या काम है जो तुम इसे लेके जा रहे हो? अरे भाई मैं तेरे को बताता हूँ, इस बड़े पत्थर को जो तू देख रहा है ना भाई, इसकी कीमत ना पूरी की पूरी 20 लाख है। कुछ बुड्ढे लोग है जो की भाई इसे खरीदने वाले है और भाई वो कहते हैं कि यार ये ना जादू पत्थर है, इसलिए वो खरीद रहे इतने महंगे रेट में इसको। अरे फ्रैंकल तुझे क्या मतलब भाई, तू इसे बेच के आ और भाई पैसा कमा और उसमें से थोड़ा पैसा उधार दे।
दे देगा तो यार थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा। अरे बैनी भाई पहले पैसे आ जान तो दे यार, उसके बाद डिसाइड करेंगे आखिरकार हमको करना क्या है। और फिंगल भाई यार ये कितना बेकार जीसीबी है, कितने सिलो चल रहा है। हाँ सिंचन इसके अंदर भाई थोड़ा मोड़ा बूस्टर है जिसे मैं सिंचन प्रेस कर रहा हूँ जब ये थोड़ा तेज चल पा रहा है, वरना तो सिंचन इसके अंदर स्पीड ही नहीं है। आई थिंक 20 या 30 स्पीड होगी इस जेसीबी के अंदर। तो यार अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं और सिंचन तुझे पता है अभी ना भाई भूतिया हवेली आने वाली है जिसके अंदर सिंचन बहुत सारे लोग जल गए थे। अरे हाँ यार मैंने भी सुनी है उसकी कहानी, फ्रेंकल भाई उस घर के अंदर ना बहुत सारे लोग जल गए थे। ये देख सिंचन ये री भाई वो हवेली देखियो कैसी लग रही है। अरे बाप रे तो बहुत डरावनी है, फ्रेंकल भाई तो पूरी की पूरी जल गई। फ्राई के लिए यार जल्दी निकाल, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। और ये जेसीबी को भाई छोड़ दे कहीं पे तो छोड़ दे। हाँ यार लोकेशन पे तो पहुंच तो गए, अब सिंचन फटाफट से उन बुड्ढे लोगों को ढूंढना है। अरे क्या ढूंढ रही हो सामने खड़ी तो है, सामने का है मेरे को तो नहीं दिख रहे। ये तो रे भाई, हेलो भाई व्हाइट पत्थर खरीदोगे क्या? क्या कहा तूने, दोबारा बोलियो व्हाइट पत्थर? अरे व्हाइट पत्थर की महक तो मुझे दूर से ही आ जाती है। ये रहा वो पत्थर, कितने सालों से इंतजार कर रहा था इसका, बहुत मुश्किल से मिलता है ये व्हाइट पत्थर। अरे बुड्ढे एक बात बता तू इसका करेगा क्या? बुड्ढे बुड्ढे बोलता है ये ले लात का। अरे भैया मत मारो, ये ले चाटा भी का। बुड्ढा बोलता है मैं कोई सन की बुड्ढा थोड़ी ना हूँ, ये जो व्हाइट पत्थर है ना ये बहुत प्यारा पत्थर है बच्चे, बता कितने पैसे लेगा। अरे कितने पैसे आप बताओ, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हो? मैं इसके तुझे पूरे 20 रुपए दे सकता हूँ। क्या 20 रुपए? अरे सॉरी बच्चे 20 या 30 लाख रुपए दे सकता हूँ, बस ये पत्थर मेरा होना चाहिए। अच्छा तो मुझे बेचने की प्लानिंग चल रही है। अरे बाप रे ये क्या हुआ? अरे फेंगल भाई ये पत्थर चल कैसे रहा है? मैं चल नहीं सकता, मैं उड़ भी सकता हूँ, सारे जहाँ को खा भी सकता हूँ। मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो, ये मुझे बेच रहे हैं, मैं ऐसे कैसे बिक जाऊँ? क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाग जाता हूँ। लेकिन इन बच्चों का स्ट्रगल मैंने देखा कि इन्होंने उस लोकेशन से मुझे उठाया और यहाँ तक ये कितनी मुश्किल से मुझे लाए, तो एक काम करता हूँ इन बच्चे को थोड़ी सी पावर दे देता हूँ। बच्चों तुम अपने घर जाओ, तुमको वहाँ कुछ सरप्राइज मिलेगा। अब चलो मैं निकलता हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कभी भी नहीं खरीद सकता। अरे फेंगल भाई यार वो पत्थर तो भाग गया। हाँ सिंचन भाई वो भी चले गया और उसके पीछे पीछे यहाँ पे जितने भी बाबा खड़े हुए थे ना वो सारे के सारे सिंचन चले गए। एक काम कर सिंचन तू फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ, हमको ना सिंचन निकलना होगा भाई अपने घर के लिए। अरे हाँ यार वो बोल के गया है कि फ्रेंगल भैया हमारे घर पे हमको सरप्राइज मिलने वाला है। तुझे क्या लगता है सिंचन क्या होगा हमारे घर पे? अरे घर पे चले फटाफट से वहीं चेक करेंगे। और फ्रेंगल भैया बैनी भैया कहाँ गए? अरे सिंचन बैनी के गाल पे तो एक बाबा ने थप्पड़ मारा था ना। अरे हाँ यार बैनी भैया के गाल पे थप्पड़ मारा, उसके बाद फ्रेंगल भैया यार बैनी भैया बेहोश हो गए थे। अब सिंचन बैनी तो आ जाएगा अपने जेसीबी से हमारे घर पे। अब सिंचन ये सोच भाई आखिरकार उसने हमको क्या सरप्राइज दिया होगा। अरे फटाफट से यार तुम भगाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ फ्रेंगल भैया यार। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने घर पे तो पहुंच चुके हैं। और सिंचन ये क्या देखने को मिल रहा है हमको? अरे ये तो गोल्ड की सुपर कार है। हाँ सिंचन चारों के चारों गोल्ड की सुपर कार है। इसका मतलब सिंचन वो जो यार स्टोन था ना उसने सिंचन भाई हमको चार चार सुपर कार दिए हैं। और देखते हैं नीचे की तरफ चल के। अरे वाओ यार यहाँ पर भी काफी सारा गोल्ड है। और फ्रेंगल भाई पैसे भी है, पैसे हाँ दिख रहे हैं सिंचन भाई पैसे भी। आई थिंक गाइस यहाँ पर जितना भी गोल्ड है और जितनी भी सुपर कार है ये तो भाई करोड़ों का माल है यहाँ पे। अरे हाँ अच्छा हुआ फ्रेंगल भाई यार उस स्टोन को हमने बेचा नहीं, 20 लाख में उसे बेचते और यहाँ पर देखो हमारे पास तो करोड़ों का माल आ गया। करीबन गाइस वो जो बाहर चार गोल्ड की कार खड़ी है ना वही गाइस आई थिंक यार 50 से 100 करोड़ की हो सकती है। और यहाँ पर तो इतना सारा भाई गोल्ड है, पैसा भी अपने पास। अरे यार अब तो मजा आ गया फ्रेंगल भैया, अब सिंचन तो टेंशन मत ले, मैं निकलता हूँ सिंचन भाई तेल ले काफी सारे टॉय लेने के लिए। और भाई बहुत सारा यार रेस्टोरेंट से खाना भी लाएंगे क्योंकि यार हमको तो काफी तेज अभी भूख भी लग रही है ना। अरे हाँ यार जल्दी जाओ। और गाइस यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस जिस किसी बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जैसे गाइस हमारी सुबह वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यार वाला बाय।